हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड डॉगीज पर। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हम अपनी फीमेल डॉग की डिलीवरी अपने घर पर बिल्कुल आराम से कैसे करा सकते हैं, बिकॉज जो अपनी जैनी है वो इस टाइम पपीज देने वाली है। सो मैंने उसी की वीडियो को पूरी अच्छी तरह से बनाकर रखा हुआ है, बट मैं पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े क्लिप लिए हैं और उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। बस अगर कोई भी फीमेल है वो जब भी पपीज देगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये जो मैंने टिप दी है आपको इस वीडियो में। और मैं उससे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक कोई भी कार्टून होना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी टोकरी या फिर आपके पास एक बास्केट होनी चाहिए जिसमें आप पपी को रख सको। उसके अंदर आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसकी कटिंग करके आपको उसमें डालनी है और उसमें पपी को आपको रखना है अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद। तो दोस्तों, अगर विंटर का टाइम है तो आप उसमें कोई कपड़े वगैरह बिछा के और उसके बाद उसमें पेपर की कटिंग डाल के रखिए और ऊपर उसके एक ऊपर 100 वाट का जो बल्ब आता है कहीं पे भी आपको नॉर्मली मिल जाएगा, जिससे कि वहां का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बिकॉज अगर पपीज को थोड़ी सी भी ठंड लग गई तो बहुत आपको दिक्कत जो है फेस करनी पड़ेगी। सो आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, सेकंड थिंग जो है, आपके पास शहद होना चाहिए, जो हनी बोलते हैं वो आपके पास होना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जो पपी हो रहा है उसको आप तुरंत के तुरंत आप उसको थोड़ा सा शहद चटाते रहिए। बिकॉज तुरंत जो है हम दूध नहीं पिला सकते मदर का, उसके थोड़ी देर बाद आप दूध पिला सकते हो लेकिन आप तुरंत नहीं पिला सकते तो फीमेल की डिलीवरी चल रही है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड चीज की बात करें तो आपके पास एक ब्लेड होना चाहिए बिल्कुल न्यू, अगर ब्लेड नहीं है सीजर होनी चाहिए बिल्कुल न्यू कैची जो होती है, और आपके पास एक धागा भी होना चाहिए न्यू पेचक ले आइए, आप कहीं पे भी आपको मिल जाएगी नॉर्मली, आप घर में भी होती होगी लेकिन होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, पुरानी या फिर यूज करी हुई ना हो, बिल्कुल न्यू पेचक होनी चाहिए जो आप सुई धागा बोलते हो वो आपके पास होनी इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीजें आपके पास होनी तो बेसिक है, अगर आपके पास ये सब चीज है तो आप बिल्कुल रेडी हो। लेकिन आपको ये चीजें ना 55 डेज पे ही अपने पास रखनी है, बिकॉज जरूरी नहीं है फीमेल 62 डेज पर ही डिलीवरी करेगी, उसके बाद भी कर सकती है और उसके पहले भी कर सकती है, क्योंकि हमारी जो जैनी है वो एकदम उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसने सुबह से खाना खाना छोड़ दिया और वो थोड़ा ऐसे ही रहने के लिए खोद निकली जगह को, और ये जो पहचान है फीमेल अगर डिलीवरी करने वाली होती है उससे पहले वो जगह खोदेगी, खाना खाना बंद कर देगी, आप सुबह से खाना खाना छोड़ देगी वो लगभग 10-12 घंटे पहले से ही, और आपको ये पहचान होती है थोड़ी सी कि हाँ जो हमारी फीमेल है वो बच्चे देने वाली है। ये मत सोचिएगा कि आपके फीमेल खाना बिल्कुल नहीं खा रही, सुबह भी नहीं खाया शाम को भी नहीं खाया, वो बच्चे नहीं देगी, वो शायद उसके पेट में बच्चे हैं इसलिए नहीं खा रही, ऐसा कुछ नहीं, वो बच्चे देने वाली होती है इसलिए बिल्कुल खाना छोड़ देती है फीमेल। और फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर डाइट की वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी वो वीडियो भी अगर आपके पास एक फीमेल डॉग है। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो तो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, सो आपका टाइम वेस्ट न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह की कटिंग करनी है जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी, आपको इस तरह से कटिंग करके रख लेना है और किसी भी चीज़ में रख लीजिए, आपके पास अगर कार्टून हो तो उसमें भी रख सकते हो वरना आप बकेट में भी रख सकते हो उसे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 2 इस टाइम, और जैनी जो है सुबह से ऐसे ही बैठी हुई है, नॉर्मली सुस्त है बहुत ज़्यादा और जैनी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद जैनी ने जो है पपी पुश करना स्टार्ट किया और मैंने इसके बारे में किसी से जब पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसके आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, बट रात के बज रहे थे 2, मैं कहाँ पर इंजेक्शन लगवाता, बट मैंने फिर भी एक अपने फ्रेंड के मेडिकल से जो है इंजेक्शन लिया, फिर मैंने इंजेक्शन इसके मैंने खुद ही लगाया, तब इसने कहीं जाकर पपी जो है पुश करना स्टार्ट किया। सो गाइस, जैनी जो है फर्स्ट पपी दे दिया है एंड सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो पपी के फेस पर जो पैक होता है, जो एक पॉलीथिन जो टाइप होती है जो पैक लगा हुआ होता है, वो आपको जल्दी से हटाना है, आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी उसमें, आपको अगर फीमेल नहीं टच कर रही पपी को तो आपको खुद ही ये काम करना पड़ेगा, लेकिन आप सैनिटाइजर जरूर कर लीजिए हाथ पर, क्योंकि मैंने सैनिटाइजर किया हुआ है पहले से ही। सो आप लोग पहले सैनिटाइजर करने के बाद ही आप पपी को ऐसे छूइए, बिकॉज या तो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, बट मैं ग्लव्स में जो है मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता हूँ, सो इसलिए मैं अपना सैनिटाइजर लगा कर ही मैं डायरेक्ट ऐसे करके पपी को जल्दी से पहुंचता हूं। और आपको उसका जो फेस है, आपको न्यूज़पेपर लेना है या आपके पास कोई कॉटन वगैरह नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर से आपको उसके फेस को बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे कि मैं इस वीडियो में करके आपको दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है बिल्कुल पपी को, जब तक पपी क्राई ना कर दे तब तक आपको इस तरह से करते रहना है, और जब पपी क्राई कर दे तभी आपको इस तरह से नहीं करना, फिर उसके बाद आप नॉर्मली इसको
पोंछ सकते हो किसी भी कपड़े से या कॉटन से आप पोंछ सकते हो, जो भी आपके पास हो आप पहले से ही अपना इंतजाम करके रखिए हर चीज़ का, चाहे कॉटन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। 55 दिन पे ही आप सब चीज़ ला कर रख लेना, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया जैनी ने 58 डेज पर ही डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया था। सो आपको पहले से ही सब कुछ रखना है। और आप देख सकते हो ये फर्स्ट पपी है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी हुआ था। मैं सोच रहा था जाने क्या होगा क्या नहीं, बट कुछ नहीं, आप पहले भी पपी फीमेल जो है डिलीवर कर सकती है, कुछ पता नहीं है, 60 दिन से पहले भी कर सकती है और 60 दिन के बाद भी कर सकती है। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है हर तरह से। एंड ये जो है मेल हुआ था फर्स्ट, एंड फ्रेंड्स लगभग जैनी ने 1 घंटे तक फिर कोई भी पपी नहीं दिया था फर्स्ट पपी देने के बाद। सो वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही थी बट कोई पपी नहीं दे पा रही थी, वो पता नहीं क्या हुआ था, स्टक था, पता नहीं क्या था पपी। बट उसके कुछ टाइम बाद जो है जैनी ने फिर दोबारा पुशिंग करनी स्टार्ट की। सो उसके बाद उसने सेकेंड जो पपी दिया था वो फीमेल थी, आपको मैं अभी आपको क्लिक दिखेगी आगे जाके। सो वो जो थी वो थी, वो फीमेल दी थी सेकेंड इसने, एंड फर्स्ट जो था वो मेल था। एंड इस तरह से ही जो है चलता रहा। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद 1 घंटे के बाद कहीं जाके इसने जो है सेकंड फीमेल जो दी थी, जो आप देख पा रहे हो इस क्लिप में। सो फ्रेंड्स आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से ही जो है बांधना है पपी के, आपको कम से कम जो आपके पास कुछ भी धागा हो, जो पेचक होती है नाम है, पेचकस जो होती है उसका जो धागा होता है उसको आपको 3 से 4 बार फोल्ड करना है। एंड उसके बाद आपको जो है उसके नाड़ जो आप देख रहे होगे, ये बार नाड़ कहते हैं इसको, तो आपको थोड़ा नीचे से बांधना है इसको, जिससे कि पपी के कोई दिक्कत भी ना हो और इसका जो ब्लड है वो भी बाहर ना आए। हम इसीलिए इसको बांधते हैं कि पपी में किसी भी प्रकार की वीकनेस ना हो पाए, इसलिए मैं इस चीज़ को बांध रहा हूँ। और आप भी इस तरह से कीजिए, और आप डबल करके ही बांधिए इसको, नीचे से आप एक बार और लेके जाइए और फिर उसके बाद आप बांधिए, जिससे कि वो जो आप गांठ वगैरह बांध रहे हो वो भी ना खुले और पपी का बिल्कुल भी ब्लड नहीं आना चाहिए बाहर, इसलिए हम ये काम करते हैं। एंड जो वेस्ट पार्ट होता है वो आपको फीमेल को बिल्कुल भी नहीं खाने देना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि छूने के चक्कर में नहीं करते, भाई इसमें क्या बात है, बच्चों को नहीं करते हो, नॉर्मली करना चाहिए भाई हमें सबको, ठीक है ना। आप भी कीजिए इस तरह से ही, आप नॉर्मल पपी को ऐसा मत छोड़िए। एंड उसके बाद आप बिल्कुल क्लीन कपड़े से आप बिल्कुल रब कर दीजिए पपी को। एंड उसके बाद जैनी जो है काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गई थी, सो मैंने इसको थोड़ा बहुत प्यार किया। और इस प्यार करने के बाद इसने थोड़ी सी देर बाद ही इसने जो है नेक्स्ट पपी दे दिया। सो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही करना है अपने डॉग के साथ, बिकॉज जब तक आप उसको प्यार नहीं करोगे यार वो डरा हुआ रहेगा। आपको इस टाइम उसके साथ रहना है अपनी फीमेल के साथ, आपको बिल्कुल भी उसको अकेला नहीं छोड़ना है। काफ़ी लोग छोड़ के चले जाते हैं अंदर, उससे क्या होता है पपी भी उसके ख़त्म हो जाते हैं। सो वो फीमेल को दोस्त देते हैं बाद में, लेकिन वो दोस्त आपका ही होता है। आपको बिल्कुल फीमेल के पास ही रहना है जब तक डिलीवरी ना हो जाए पूरी। मैं तो लगभग इसके साथ पूरा दिन पूरी रात रहा हूँ यार, पूरे दिन पूरी रात ना मैं सोया हूँ इस चक्कर में ही। मैं और मेरे भाई जो हैं हम दोनों ने ही डिलीवरी करवाई थी और कोई था भी नहीं, इसलिए मैं प्रॉपर ढंग से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो आप लोग देखते रहिए। ये जो है इसकी जो नाड़ था वो अंदर ही रह गया था इस पपी का, सो इसलिए मैंने इस तरह से काट दिया था और बाद में जो है नाड़ अपने आप आ गया था। इसको मैंने फिर बाद में सब कुछ काम करके इस तरह से पोंछ दिया। किसी क्लीन कपड़े से ही पोंछ सकते हो आप, आपके पास अगर कॉटन हो तो कॉटन ले लीजिए, कॉटन से भी आप पोंछ सकते हो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये सब काम करने के बाद आपको पपी को हनी जरूर चटाना है। वो क्लिप नहीं दे पाया बिकॉज कुछ बात हो गई थी एकदम पपी को, इसलिए मैं क्लिप नहीं दे पाया था वो। सो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कर देना है। एंड गाइज ये जो है वो फोर्थ पपी है, ये फोर्थ पपी की वीडियो है। और इसके साथ भी मैंने सेम वही काम किया था, इस तरह से बांधा, उसके बाद जो है सब काम करने के बाद ये पपी भी बिल्कुल ठीक ही हुआ था, इसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब पपी बिल्कुल हेल्दी थे। एंड गाइस आप देख सकते हो ये हैं टू पपीज़, ये टू पपीज़ वाली क्लिप है। सो मैंने ये भी लगा दी इस वीडियो में, एंड आपको दिखेंगे लास्ट में कितने पपीज़ दिए हैं जैनी ने। और जैनी काफ़ी ज़्यादा परेशान रही थी इस बार, पता नहीं क्या हुआ था, डिलीवरी ठीक से नहीं हो पा रही थी जैनी की, बट ठीक है जैसे हुआ वैसे हमें उसके साथ रहे थे हम, हर तरह से हमने जैनी की हेल्प की। एंड गाइज ये जो था ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज इस मोमेंट को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहूँगा यार।
चाहे भगवान एक पपी कम दे दे, लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पपी यार डेड हो जाए। और ये जो पपी था ये डेड ही आया था, ये मैं क्लिप आपको दिखा नहीं पाया, सॉरी उस चीज़ के लिए, बट जो पपी था वो डेड था। लेकिन आपके पास अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप उस पपी को हटाइए मत, आप पूरा उस पर एफर्ट दीजिए, आपको अच्छी तरह से रब करना है ऊपर से नीचे से हर तरह से। एंड आप उसके अपने उसके जो मुँह है उसमें आप उसको अपने फिंगर को आप थोड़ा डालिए उसमें, जिससे कि कोई अगर अंदर कुछ कचरा वगैरह फंस गया हो तो वो बाहर आ जाए पपी का। एंड आपके पास अगर सिरिंज हो, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, आप उससे भी निकाल के कर सकते हो, अंदर फूंक करके निकाल सकते हो। और आपको ये काम भी करना है, आपको फूंक भी देनी है, उसको सांस देने की कोशिश करनी है हर तरह से, जैसे कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो अंदर है, अगर सांस अटक गई है अंदर तो वो खुल जाए कैसे भी करके, आपको इस तरह से करना है। बट मैंने तो सब कुछ किया, लगभग मैंने हाफ आवर या वन आवर तक मैंने सब कुछ किया था, बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था पपी। एंड ये जो यार मोमेंट था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ के ऊपर यार मुझे। बट क्या कर सकते हैं यार, जैसा जो है सही है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आपके पास कोई भी पपी अगर डेड भी हो जाता है, भगवान से मैं दुआ करूँगा यार आपका किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो प्लीज़ आप उसको यार फेंक के मत आइए। प्लीज़ मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है, जो लोग ऐसा करते हैं प्लीज़ यार आप ऐसा मत कीजिए। आप उसको आप फैमिली मेम्बर की तरह, वो आपके पास आया था, सो आप उसको पूरे रेस्पेक्ट के साथ आप ये काम कीजिए। सो मैंने इसको जो है अंदर कपड़ा वगैरह बिछा के और नीचे मट्टी निकाल के वहाँ से वो कपड़ा वगैरह बिछा के उसमें और ऊपर से इसको ढक के मैंने अपनी तरफ से जैसा मैं कर सका मैंने यार वैसा किया। सुबह के टाइम मैं गया था फिर, और ये यार बहुत बेकार लगा था, मेरे यहाँ पर आंसू भी आ गए थे आँख में यार, बट क्या कर सकते हैं, जो है ठीक है। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, जेनी ने टोटल 7 पपीज को जन्म दिया था, और इनमें से जो है यार 6 हैं हमारे पास, एक जो है वो ख़त्म हो चुका है, बट उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग यार। एंड ये आप देखिए जेनी कितना यार सुकून से सो रही है इस टाइम। और ये हैं 6 पपीज, इनमें से 4 मेल हैं एंड 2 फीमेल हैं। एंड गाइज, ये जो मोमेंट होता है ना पपीज का दूध पीना, ये सच में एक जो जिसके पास एक फीमेल डॉग होगी और उसके पास ऐसा होगा सो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। ये मोमेंट वो आप लोगों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा लगता है इस चीज़ को देखकर। और बस यार सारे पपीज हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें, बस यही हमारी एक यार भगवान से दुआ है।